नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों की। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पहले एनआईए और ईडी ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और आज यूपी में एक बार फिर से यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है, बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के 26 ठिकानों पर संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की और मामले पर यूपी पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि पीएफआई के खिलाफ जारी देशव्यापी अभियान के तहत यूपी में 26 जिलों में यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी जारी है। देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, जिस तरह से ये बड़ी छापेमारी ये चल रही है और अब तक कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, आज भी बड़ी छापेमारी हुई है और बताया जा रहा है कि 57 की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश से करीब 18 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसे पूछताछ की गई, उनके कनेक्शन निकाले गए। इसके बाद ये कार्रवाई और तेज हो गई। आज भी उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ छापेमारी हुई है, खासकर लखनऊ की बात की जाए तो 11 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश से 57 लोग हिरासत में लिए गए हैं और खास बात ये भी है कि जो लखनऊ से हिरासत में लिए गए हैं वो सभी लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले थे, यानी कि इटौंजा और पक्षी तालाब जैसे इलाकों में रहते थे, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से वहाँ पर एसटीएफ और एटीएस ने छापेमारी की और करीब 11 लोगों को हिरासत में लिया। इसके अलावा 7 लोगों को बुलंदशहर से लिया गया है और इसी की तरह सहारनपुर से एक बड़ी कार्रवाई की है और गाजियाबाद में करीब 11 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। भोजपुरा थाने से वहां पर हिरासत में लिए गए लोग, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर छापेमारी की गई थी। करीब 26 जिले ऐसे थे जहां पर छापेमारी की गई। खास बात ये भी है कि जो पहले छापेमारी हुई थी उसमें कई ऐसे नए जिले जुड़े हैं जो पहली बार यहाँ पर छापेमारी हुई, क्योंकि पीएफआई को लेकर जो पहले छापेमारी हुई थी उसमें उन जिलों का नाम नहीं था, लेकिन इस छापेमारी में अब कहीं ना कहीं वो जिले भी जुड़ चुके हैं। यानी कि जो पूछताछ हो रही है, जो अब्दुल माजिद और मोहम्मद वसीम से जो पूछताछ हुई उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई जरूर तेज हुई है। लखनऊ खासकर ज्यादा निशाने पर रहा, तो फिलहाल अभी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं और जो सामग्री मिली है उसको लेकर छानबीन की जा रही है। डीजी लॉर्ड प्रशांत कुमार का भी कहना है कि जो सामग्री मिली है किस तरह से छानबीन की जा रही है, उसकी देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग जुड़े हुए थे, सोशल मीडिया की भी देखी जा रही है, उनके मोबाइल चेक किए जा रहे हैं कि वो किस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और किस तरह से पीएफआई के लिए काम कर रहे थे और इसके अलावा किसी टेरर एक्टिविटी में तो शामिल नहीं थे। और फंडिंग को लेकर खासकर सवाल उठे थे कि फंडिंग को लेकर के दोस्तों तो फंडिंग किस तरह से हो रही थी और इसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पहले लोग पकड़े गए उसमें कहा गया कि 2047 तक इसको इस्लामिक देश बनाने की बात सामने आई थी, उनके कई ऐसे तथ्य मिले थे, कैसे जो वहां पर जो उनकी सामग्री मिली थी उसमें तरह की बातें सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं अब उसकी भी तलाश की जा रही है कि इस तरह से किस तरह से ये जो संगठन काम कर रहा था और पूरे प्रदेश को उसके जड़ें कहां तक फैला रखी थी और इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे संगठन के पदाधिकारी हैं जो अभी भी फिलहाल इस संगठन को ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आखिर लगभग 26 ठिकाने ये हैं जिस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है और देश के तमाम राज्यों में इस वक्त जितने भी पीएफआई से कनेक्शन सामने आ रहे हैं वहां पर ये छापेमारी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये ठिकानों पर लगभग 26 के आसपास जिस तरह से आप बता रहे थे और 57 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे और कितने जगह चिन्हित की गई है जहां पर ये बड़ी छापेमारी हो सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से ही पुलिस इसमें आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से इन लोग को हिरासत में लिया जाता है तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक किए जाते हैं,
फेसबुक और जो अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो किस तरह से उस पर एक्टिव हैं, किस तरह से लोग उनसे जुड़े हैं, कैसे वो रिएक्शन दे रहे हैं, ग्रुप में किस तरह की बातें हो रही हैं, इस सारे इन सब सामग्री को लेकर ही पुलिस आगे बढ़ रही है। फिलहाल जिस तरह से लोग पहले पकड़े गए उसके बाद उनके पास से जो सत्यात्मक चीजें मिली उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई बढ़ाई और उनके जो अन्य साथी थे उनको हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तारी भी की। तो इसी तरह से जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, 57 लोग आज पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं 57 लोगों से जो पूछताछ होगी, जो भी सामने लोग आएंगे, जिसके भी नाम सामने आएंगे, जो इनके पदाधिकारी हैं उनके नाम सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई अभी आगे और चलने वाली है और ये भी माना जा रहा है कि संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल क्योंकि लेकिन जिस तरह से ये लगातार कार्रवाई चल रही है और आपने कहा कि कई और नाम इसमें सामने आ सकते हैं, कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लगातार इनके मेंबर सामने आ रहे थे, उनकी अरेस्टिंग हो रही थी, प्रदर्शन भी हो रहा था कि जबरदस्ती ये परेशान करने की कोशिश है, क्योंकि ये तो जो PFI है ये एक जरिया है मुस्लिमों को, जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं या फिर मुस्लिम समाज के ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं उनकी मदद करने के लिए ये PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर इसके कोई मेंबर्स हो या इससे जुड़े कुछ लोग जो विरोध कर रहे हो इस चीज का? उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है जहां पर PFI की छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया हो या किसी ने कोई आवाज उठाई हो। फिलहाल PFI को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, ये लंबा समय PFI को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, अन्य प्रदेशों में भी इसे बैन करने की मांग की गई, लेकिन फिलहाल बैन नहीं किया गया PFI को अभी तक। लेकिन छापेमारी के बाद ये जरूर तथ्य सामने आ रहे हैं कि अगर सामग्री कोई मिलती है, अगर टेरर एक्टिविटी से जुड़ी कोई सामग्री मिलती है या फिर किसी ऐसी जो साजिश रची जा रही है या किसी घटना को साजिश देने जैसी बात सामने आती है, तो जाहिर तौर पर इसे बैन करने की भी कवायद होगी और कहीं ना कहीं सरकारें भी कोशिश करेंगी कि इसे बैन किया जाए। अभी जब छापेमारी हुई उसके बाद उनका बयान जब देगी तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होगी कि PFI को लेकर क्या धारणा है और PFI आखिर जो प्रदेशों में जिस तरह से वो एक्टिव है और अपने पदाधिकारी बना रही है लगातार और कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे का जो मकसद है वो खुलकर जरूर सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्रियों की समिति बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मंजूरी आज मिल सकती है, फिलहाल जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो आज की कैबिनेट बैठक में पास होने वाले कई प्रस्ताव का लाभ किसानों के साथ आमजन और उद्योग को भी मिलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में साल 2022 और 23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, मक्का और बाजरा खरीद की नीतियों को मंजूरी मिल सकती है, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि फिलहाल ये बैठक चल रही है, बैठक खत्म होने के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसके साथ ही कैबिनेट चित्रकूट से रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने सहित कुछ अन्य प्रस्ताव पर भी मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार सिंह इस वक्त सीधा लाइव बने हैं। अनूप, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है, तमाम मुद्दों का जिक्र इसमें किया जा रहा है, MSP का जिक्र भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल कौन कौन से वो मेन पॉइंट हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही होगी इस बैठक में, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए सचिन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में योगी की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, सारे मंत्री जो कैबिनेट हैं वो पहुंच चुके हैं। खासकर अगर प्रस्तावों की बात करें तो औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर कई जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगने वाली है। साथ ही साथ ग्राम विकास जो विभाग है उसके साथ जो माध्यमिक शिक्षा विभाग उस पर कई प्रस्ताव पर मोहर लगने वाली है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को लेकर जो सुबह से चर्चाओं का जो बाजार गर्म था, जो सुबह से चर्चा हो रही थी कि इसकी नीति को लेकर प्रस्ताव आज रखा जाएगा, उस पर मंजूरी मिलेगी। सरकार की जो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलें, हालांकि तमाम जो बसें हैं, तमाम जो रूट हैं परिवहन विभाग या नगर विकास द्वारा चलाए जा रही हैं बसें, लेकिन अभी उसमें कमी है, कहीं चार्जिंग पॉइंट की कमी है तो कहीं जो बसों की भी थोड़ी बहुत कमी है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन चलेंगे उत्तर प्रदेश में तो जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार इस पर सवालिया निशान उठते हैं, उस पर कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। दूसरा, राम मंदिर अयोध्या का जिस तरीके से अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो वहाँ के विकास को लेकर भी सरकार तरह तरह से लगातार विकास की योजनाओं के साथ साथ
वहां पर विकास कर रही है। नजूल की 10 एकड़ जमीन उसको नगर विकास को देने का भी प्रस्ताव आज रखा जाएगा ताकि वहां पर एसटीपी को दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा वहां पर विकास को लेकर के। तो तमाम ऐसे जुड़े जो विकास के जो मुद्दे हैं तो आज कैबिनेट में बैठक में रखे जाएंगे प्रस्ताव। अब देखना ये होगा कि कितने प्रस्ताव रखे गए। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है करीब एक दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं आज कैबिनेट में रखे जाने हैं। कैबिनेट के बाद जो ब्रीफिंग होगी तब जानकारी मिलेगी कि आज कितने प्रस्ताव रखे गए थे और कितने प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग पाई है। सचिन, ठीक है अनुप, लेकिन जो बात ये भी सामने आ रही है क्योंकि एमएसपी को लेकर किसान जिस तरह से नाराज हैं और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़े आंदोलन की स्ट्रेटेजी किसान बना रहे हैं। राकेश टिकैत की अध्यक्षता में एक ये चर्चा इस वक्त चल रही है तमाम किसान, क्योंकि ऑन कैमरा राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि आंदोलन तो होगा एमएसपी को लेकर क्योंकि सरकार ने अब तक क्लियर नहीं किया है। क्या इसको लेकर भी कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं? देखिए किसी कृषि विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि लगातार सरकार या फिर संगठन लगातार किसानों को लेके काम कर रही है। चाहे अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर लगातार बैठकें होती है और लगातार एमएसपी की जब बात आती है सरकार ने भी आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि कैबिनेट के साथ साथ सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों को लगातार फायदा हो। 2022 तक जो सरकार की जो किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश उस पर प्रयास कर रही है। चाहे अभी जो खेती को लेकर के उर्वरक खेती को लेकर के अभी 28-29 तारीख को में सम्मेलन होने वाला है, तो तमाम इस तरीके के कार्यक्रम कृषि विभाग से माध्यम से किए जा रहे हैं किसान को लेकर किसी प्रकार से दिक्कत न हो। चाहे सौर ऊर्जा की सोलर प्लांट की बात करें तो ऐसी जो चीजें हैं लगातार कैबिनेट में भी प्रस्ताव में पास हो रही हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2024 की लड़ाई भी जीतना है तो किसानों को भी साथ कर भी चलना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका किसान का रहता है। जी जी, चलिए अनुप बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर जिले के दौरे पर पहुंचे हैं और भूपेंद्र चौधरी ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव सहित नगर निकाय और एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि एमएलसी नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी अब की बार अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और साथ ही अब की बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर यह कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और साथ ही अब की बार 2024 में भी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इस नए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है हमारे लिए गर्व की बात है और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले एक सीट एमएलसी का चुनाव है आपका, नगर निकायों के चुनाव। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए, हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे, कितने हो गए 17 के 17 जीतेंगे। और वे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान वो रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए जहां पर उन्होंने फीता काटकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया है। साथ ही उन्होंने नवनिर्मित रजिस्ट्रेशन काउंटर गायनी ओपीडी पैथोलॉजी और विभाग में सेलेक्ट्रा मिशन का भी उद्घाटन किया। अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अछलदा कस्बे में शिक्षक की पिटाई से घायल छात्र की 19 दिन बाद मौत होने पर सोमवार रात जमकर बवाल हुआ। पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। मंगलवार की सुबह मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने डीएम और एसपी के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं यह मामला अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। घटना को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर दुख जताया और सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बसपा प्रमुख मायावती ने भी यूपी सरकार को इस घटना पर घेरा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि औरैया में एक छात्र की शिक्षक ने उसको पीटा जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जो कि दुखद है और बेहद संवेदनशील है।
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार यथोचित कार्रवाई इस पर करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दे। शिक्षा जीवन देती है, लेती नहीं है। ऐसा जो पुलिस वाले थे वो डंडा डंडा चलाने लगे, हमें वहाँ से भगा रहे थे कि यहाँ से भागो मिट्टी लेके, नहीं तुम सबको मारेंगे। मांगे थे क्या हमें आवाज चाहिए जी। और उसे सजा होनी चाहिए जी। और हमारे बच्चे को नौकरी को मिलनी चाहिए। और वही पीएफआई के ठिकानों पर लगातार एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और इसी क्रम में बीते कल की गई छापेमारी में जनपद मुजफ्फरनगर से इस्लाम कासमी नामक युवक को एटीएस सुबह एनआईए की संयुक्त टीम ने भी गिरफ्तार किया है। और इस पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा है कि जो देश के लिए गलत काम करेगा, देशद्रोह का काम करेगा, वो पकड़ा जाएगा। सरकार के संज्ञान में जो भी आएगा उसके खिलाफ ये छापेमारी करते हुए सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। और वही केंद्रीय पशुधन और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने सिड़की चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कहा है कि मिशन 2024 को लेकर अभी से कमर कस लें और जनता के बीच जाकर सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें और कोशिश करें कि योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों में विकास के नाम पर धन को बांटने का काम किया है, अगर जांच हो जाए तो मामला साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास और एक साथ चलना, भ्रष्टाचारी गुंडागर्दी बेईमानी को खत्म कर जनता का विश्वास जीता जा सके, साथ ही देश और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। पूरे प्रदेश में हुआ है, सब जानते हैं, इसकी जांच हो जाए। ये सार्वजनिक उपयोग में भूमि रहनी चाहिए, लेकिन भू माफियाओं ने और लोगों ने इस पर कब्जे कर रखे हैं, तो जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, सचिनाथ त्यागी को लेकर त्यागी समाज लाभ बताया। देखिए, कुछ इशू थे पहले भी, सबने कहा, उस पर सब अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं कि उनके परिवार के साथ जो हुआ था उससे सबके मन में एक पीड़ा थी। त्यागी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, हम आपस में बातचीत करके समुद्र से सुलझा लेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत वो है तो आप उसको बात कर लेना। और वही राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मिर्जापुर के प्रसिद्ध धाम विंध्याचल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मां विद्या मानसिनी के दरबार में मत्था टेका और पूजा पाठ भी उन्होंने की है। इस दौरान राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो भी घटना इस वक्त चल रही है एक पार्टी के अंदर की घटना है और इसे पार्टी के लोग ही समाधान करेंगे। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि राजस्थान में मेरी भूमिका बने। मैं हर नवरात्र में यहाँ माँ का दर्शन करने आता हूँ, माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ पूरे देश को स्वस्थ रखें, सब लोग सुखी और संपन्न हों, समृद्धशाली हों, महामारी का विनाश हो, विपत्ति से लोग मुक्त हों और लोगों के अंदर आत्मीय सद्भाव का निर्माण हो, ताकि देश की एक अपनी ताकत बढ़ सके, ये मैं मां से प्रार्थना करता हूं। और विश्व के 7 अजूबों में शामिल भारत के ताजमहल की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनेस्को हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 500 मीटर के दायरे में होटल, रेस्टोरेंट्स और साथ ही एम्पोरियम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। और मवेशियों में फैल रहे हैं लंपी रोग को और उसकी रोकथाम के लिए आजमगढ़ पशु विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। जिलाधिकारी ने इस अभियान के तहत टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के जरिए सभी गौवंश पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। जिले के नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के 5 किलोमीटर की परिधि में पशुओं का वैक्सीनेशन होगा और इसके अलावा गौश्रय स्थानों को संरक्षित गौवंशों का टीकाकरण किया जाएगा।
पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जिले में अच्छी बात यह भी है कि एक भी लंपी वायरस ग्रस्त पशु यहां पर नहीं है। पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि कहीं भी किसी को पशुओं में लंपी के लक्षण नजर आए तो तुरंत इसकी सूचना पशु विभाग को देनी चाहिए। लंपी स्किन डिजीज के वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज विशाल भारद्वाज IAS जिलाधिकारी आजमगढ़ के कर कमलों से हुआ है। इसमें हम नगर पालिका एवं नगर पंचायत के 5 किलोमीटर की परिधि में सभी गोवंशीय पशुओं का 100% टीकाकरण करेंगे। इसके अलावा हमारे गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंशों का भी टीकाकरण किया जाएगा। और वहीं भगवान कान्हा की नगरी मथुरा में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे लेकर माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मां चामुंडा देवी मंदिर के पास चामुंडा कॉलोनी के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और रास्ते पर कीचड़ भी भरा है, लेकिन नगर निगम अपनी आंखों को बंद किए बैठा है। ना तो इस तरफ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि देखने को तैयार है, ना ही नगर निगम कर्मचारियों के आला अधिकारी, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आम राहगीर परेशान है, लेकिन नवरात्र के पर्व पर पहुंचने वाले भक्तों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई, आज मैं सुबह जब दर्शन करने मंदिर पर आया तो एक टिड्डी वाला बच्चों को लेकर छोटे छोटों को इसमें घुस गया और वो नशे में जने किसने था तो उसने दोबारा भी बच्ची हमने उतरवा दी तो दोबारा भी उसने आगे का पहिया इस गड्ढे में उतर दिया। तो ऐसे अफवाहों से कहना है मेरा कि अपने बच्चों को सही सलामत सही ड्राइवर के संग भेजें और इन गड्ढों को नगर निगम अपनी देख रेख में तुरंत जल्दी से जल्दी करवाए सही, क्योंकि नवरात्रा चल रही है। अयोध्या में सांसद ब्रजभूषण सिंह ने रामलीला का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि रामलीला के पहले दिन नारद मोह और रावण तपस्या में नारद मोह के रोल में गुफी पेंटल जी ने किरदार इसका निभाया है और रावण तपस्या में रावण के किरदार में शाहबाज खान जी ने यह किरदार निभाया है। रामलीला के पहले दिन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शुभम मलिक ने बताया है कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे सुंदर रामलीला है और मुझे बड़ी खुशी है कि अयोध्या की रामलीला को सभी राम भक्त देखने के लिए पहुंचते हैं। यह अयोध्या की रामलीला का तीसरा संस्करण है जो अयोध्या में लक्ष्मण किला सरयू तट पर किया जाता है। हमारे संवाददाता ने रामलीला को लेकर बॉलीवुड कलाकार शाहबाज खान के साथ कुछ खास बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। नवरात्रि में मां दुर्गा यानी कि नव दुर्गा के 9 अवतार मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी और मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के बाद मां दुर्गा के भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी भगवान मंगल को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त उनके शरीर से जुड़ा कमल ज्ञान का प्रतीक है, सफेद साड़ी पवित्रता का प्रतिनिधित्व वो करती है और उनकी पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अचानक दिल्ली जाने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है जिसमें कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, तो वहीं नए लोगों को मौका मिल सकता है। वहीं दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री से उनकी राज्य के मुद्दों पर मुलाकात यह तय थी और इसको लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। वहां पर पर्यटन विभाग में कुछ हमारे जो मानस खंड कॉरिडोर है और प्रसादम योजना में कुछ योजनाओं को लिया जाना है, क्योंकि पहले से ही उनका समय लिया हुआ था। आज पर्यटन दिवस भी है तो आज कुछ विषयों पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी से समय लिया हुआ था, उनका समय मिला हुआ है तो वहाँ जाकर उनसे अनुरोध करना है, क्योंकि मानसखंड कॉरिडोर ये योजना है, वो हमारा संकल्प है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से प्रसादम की जो हमारी योजनाएँ पहले से चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में भी अपडेट लेना है। वहीं जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में माननीय
प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी समीक्षा बैठक ली है, उस बैठक में कुछ बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करके उनको आगे बढ़ाना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत कांबोज फोन लाइन पर हैं। अजीत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल सचिन, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के एकाएक दिल्ली जाने से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सीएम कार्यालय की तरफ से जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें दिल्ली दौरे का कहीं भी जिक्र नहीं था, और दोपहर बाद एकाएक मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी अटकलों को भी बल मिला है कि नवरात्रि या नवरात्रों के बाद कोई बड़ा सियासी फेरबदल उत्तराखंड कैबिनेट में हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे पर जाने से पहले जो बयान दिया है उसके अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी, पर अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की तस्वीरें भी आ चुकी हैं जो दिल्ली में ये मुलाकात हुई है केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ। लेकिन दौरे को लेकर एकाएक जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है कि केवल पर्यटन मंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इसको एक सपोर्टिव काम के तौर पर देखा जा रहा है कि जिससे सियासी हलचल को बचाया जा सके कि केवल पर्यटन मंत्री से मुलाकात थी, लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी ऐसे समय पे जब प्रदेश भर में सियासी हलचल लग रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और विधानसभा सचिवालय में हुई भर्ती घपले में निरस्त की गई हैं 228 नियुक्तियों के मामले में विधानसभा ने अब संबंधित कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इस कड़ी में 40 कार्मिकों की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी जांच करवाने और विवादित नियुक्तियों को निरस्त करने का आग्रह किया था। और उत्तराखंड बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से 5 जिलों के विस्तार करने के बाद अब नए संगठन पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे जिसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारियों की टीम को भेज दिया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए इसमें 16 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है, बचे 3 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है, और जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।